लास्ट बाइट बचा, ओके okay? थोड़ा सा प्लीज बेबी, नो लास्ट बाइट, लास्ट बाइट, ओ लास्ट बाइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मै देन दानियाल चैनल। सो गाइस, आज है बहुत ठंडी और जैसे कि देख रहे हैं आज हुमैद स्कूल नहीं गया है, इसकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई। गाइस, आप लोग से रिक्वेस्ट है इसके लिए दुआ करें। इसका प्लेटलेट 21,000 पे है और इसको आज हम लोग स्कूल नहीं भेजे हैं और इसको कंप्लीट बेड रेस्ट रहना है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको मोबाइल दे दी हूँ, साथ में मॉर्निंग में इसका नाश्ता हो गया है, खाना हो गया है। खाने में इसको चावल नहीं दी, रोटी और दाल दी हुई हूँ। और दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब है, इसका तो प्लेटलेट काउंट कम है, मेडिसिन स्टार्ट हो गई है। प्लेटलेट के लिए मैं क्या क्या इसको देती हूँ मैं आपको आगे फर्दर बताऊँगी। एक लोग जूता सेक रही हैं जूता कौन भिगाया है राबिया आंटी से जूता ले लो फिर देखो ये झाड़ू लगा रहे ये दो जगह झाड़ू लग रहा है। आंटी आप साफ ही नहीं कर पाते, हट जाओ, मेरे लड़के कर देंगे साफ। हाँ, पता है नहीं कैसे इकट्ठा करके रखी है। हाँ, पहले हाथ से हटाओ तब झाड़ू से लगाओ। इतना पहने उतर नहीं पा रहे हैं मगर झाड़ू लगेगा जरूर आज घर के। ये देखे गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि झाड़ू कैसे लगाते हैं, पहले हाथ से हटाओ तो गंदगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगाओ। इनकी कहानी तो निराली ही है। ये दानियाल के फेवरेट चाचू हैं, कहीं भी कोने से आवाज आ जाएगी तो दानियाल पहुंच जाएंगे। टॉफी, टॉफी, अच्छा ठीक। और गाइज, इनको यहाँ पे टॉफी मिल गया और हुमैद कंप्लीट बेड रेस्ट पे हैं। एकदम हम लोग अलाउड नहीं कर रहे हैं इनको कहीं पे भी चलने के लिए। उसके बाद गाइज, ये बोर हो रहे थे हुमैद, तो इनको मैं रेनबो बना के दे रही हूँ ताकि ये कलर कर ले। तो ऐसे भी बनता है, ऐसे रेनबो बनता है। और देखो अब रेनबो का क्या मीनिंग होता है ये हम आपको बता दें। पहले देखो स्पेलिंग क्या होता है, आर ए आई एन, ये क्या हो गया रेन, ठीक है। बी ओ डब्लू, ठीक है, ये क्या हो गया रेनबो। रेनबो की स्पेलिंग ये होती, ठीक। तो ना याद आए कि इसमें कलर कैसे फिल करना है तो ये याद कर लो, विब ग्योर, ठीक है। विब ग्योर से क्या होता है, पहला कलर जो होता है वो होता है वॉयलेट, ठीक। नेक्स्ट कलर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड, ठीक है। ये ऐसे विबग्योर से पता चलेगा कौन कौन सा कलर करना है और ये है आपके रेनबो की स्पेलिंग, ओके। तो चलिए अब कलर करिए आप। हाँ ये है वॉलेट, वॉलेट से इसको फर्स्ट कलर करो यहाँ पे, ठीक। पता है कैसे करते हैं, छोड़ो, हटाइए हाथ अपना। देखिए ऐसे ना, पहले बॉर्डर पे कर लो, ठीक है, पहले ये बॉर्डर पे। बॉर्डर देख चुकी हूँ ना,
से बॉर्डर पे करके इधर भी साइड में बॉर्डर पे कर लो। फिर अंदर फिल करो। थ्री टू क्या था डिलीट कर देंगे। अच्छा ठीक है, आप स्टार्ट तो करो फिर से। थ्री टू वन स्टार्ट। यस, बट आपका लाइन से थोड़ा सा बाहर है। यू हैव डन गुड जॉब, बट ये थोड़ा सा ना जो व्हाइट जगह है इसको भी फिल करो, और ये लाइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए। थोड़ा सा साइड साइड से रबर से रेजर इरेज कर दो। देखो इरेज कर दियो ना, कितना अच्छे से हो गया। अब गुड, यू हैव डन गुड। अब ये आप लर्न कर लो, ठीक है। विब ग्योर, विब मीन्स वी फॉर वॉलेट कलर, ओके। आई फॉर इंडिगो कलर, बी फॉर ब्लू कलर, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड, ओके ओके। अब क्या करोगे आप? दूसरा रेनबो बनाओगे? ओके, आप खुद से बनाओ। पेंटिंग वाली जगह। अब दूसरा पेपर लाओ। ओके। यस। आपकी तबीयत ठीक लग रही है? हाँ, थोड़ी थोड़ी। वीकनेस तो नहीं लग रही है? नो। सांस फूल रही है? नो। गाइज, जब प्लेटलेट काउंट चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, अगर कम होता है तो उसमें सांस फूलती है, वीकनेस लगती है। और हुमैद को पता नहीं, सैटरडे को थोड़ा सा इनको वीकनेस लगा था, उसके बाद हम लोग संडे में चेक कराए तो इनका प्लेटलेट कम है। गाइज, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्रे करें और अपने बच्चों का इस ठंडी में बहुत बहुत ही ख्याल रखें। कल तो पूरा अम्मी ने लिखा है। अम्मी ने लिखा है? ओके। नेक्स्ट बन गया लॉयन। अब इसको कलर करो। ओके यस, ये मेरा बन चुका, गाइस में बन चुका है। के बाद गाइस, हुमैद को दूध ना देके पानी में उसका पाउडर मिक्स करके थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी मिला के उसको दी थी पीने के लिए। कच्चा पपीता है, ये खा लो, इससे भी प्लेटलेट बढ़ेगा। इसको फिनिश करना है। ओके खाऊंगा, पहले ये बड़ा वाला फिनिश करिए, फिर देखा जाएगा। तो बाइट बचा। ओके थोड़ा सा प्लीज बेबी, लास्ट बाइट ओ लास्ट बाइट। गुड गुड गुड, फिनिश करो। अब इतना समझ गया ना, फिर खाना पड़ेगा इसको, तो फिनिश ही करना है आपको। अरे थोड़ा सा के बाद गाइस, मैं बनाई इन लोग के लिए एग, हाफ बॉइल्ड एग, जिसमें से थोड़ा काली मिर्च और नमक ऊपर से डाल देती हूँ, तो बच्चे बहुत पसंद से खाने लगते हैं इसको। लो मैं खिला दूँ। लो हम खिला दे। शुक्रिया नोबिता। अरे अरे कोई बात
अब खिला खिला के बाद गाइस ये रात का खाना बन रहा है, जिसमें कि बन रहा है मीट, जो कि हुमैद के लिए बहुत ही बेनिफिट है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है, जिससे बहुत इम्यूनिटी बूस्ट होती है। उसके बाद गाइस आ गए हैं उनके अब्बा शाम में। ये देखिए आग जल रहा है, पीछे बाबा बैठे हैं और ये दोनों अपने अब्बा के साथ मस्ती कर रहे हैं। क्या हुआ? आ? ये लिए हैं क्या लिए हैं? उसके बाद गाइस इनके अब्बा किसी बात पे गुस्सा हो गए हैं और ये देखिए दानियाल का कैसे मुंह बना हुआ है। फिर ये हम लोग अमेजन से कुछ ग्रीन पर्दे मंगाए हुए थे, जो कि गार्डन में लगाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बाद गाइस रात को हम लोग ये ग्रीन पर्दे लगाने को सोच रहे हैं अपने खेत में। कैप कहाँ गया आपका? देखे दनी, फाइनली इनका क्या और इनको दनी, हाय करो, हाय हाय। फाइनली गाइस यहाँ हम लोग काढ़ा बना रहे हैं और ये दानियाल बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। केसरिया इनका फेवरेट गाना है। और इधर काढ़ा बन रहा है और फिलहाल हम लोग हुमैद को निम्बुलाइज करा रहे हैं। दानियाल की भी तबीयत नहीं ठीक है, उसको भी निम्बुलाइज की ज़रूरत है। तो पहले हुमैद को निम्बुलाइज कराएं, उसके बाद फिर दानियाल खुद ही निम्बुलाइज कर रहे हैं। दोनों बच्चे जकड़े हुए हैं हुमैद के प्लेटलेट काउंट के साथ, सांस भी उसकी फूल रही है। तो सो हम लोग दोनों को एक साथ ही निम्बुलाइज करा दिए हैं। उसके बाद गाइस ये दोनों सो चुके हैं और दानियाल को फीवर जैसा लग रहा है, मगर है नहीं फीवर। और इसको मैं थोड़ा मालिश करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं भी सो जाऊँगी। ये हुमैद को एक स्पॉट निकला है, ब्लू स्पॉट निकला है, बाकी और पूरे बॉडी में कहीं भी स्पॉट नहीं है।